जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन इतना सिंपल है कि इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए। और ये डिजाइन हमारा 6 रो का 6 सिलाइयों का डिजाइन है, जिसके अंदर हमारी 4 सिलाइयाँ बेसिक निकलती हैं और 2 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की निकलती हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 19 फंदे डाल लिए, 18 फंदे 2 के मल्टीपल में और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो कुल हमारे 19 फंदे हो गए। हमें एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए और 2 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे। पहली रो में सभी फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट करती हूँ मैं। इस रो को अपने डिजाइन में हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रो हमारी सिंपल रो हो जाती है जो हम अपने फंदे बनाने के बाद डालते हैं। राइट साइड से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी इस रो को मैं कंप्लीट करते। अब राइट साइड से अपना डिजाइन बनाएंगे हम। अब राइट साइड से अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो एज स्टिच के फंदे को तो हम स्लिप करते हैं, फ्रून को अपनी तरफ आगे करते हैं और एक फंदे को उल्टा बनाएंगे। फ्रून को अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे हम, फिर एक फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह से हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो बनती है, जिसमें हमें एक फंदे को उल्टा बनाना रहता है और एक फंदे को स्लिप करना रहता है, एक फंदे को उल्टा बनाना रहता है और एक फंदे को स्लिप करना रहता है। एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, उल्टा बनाया, फिर लास्ट के फंदे को उनको पीछे करके से सीधा बना लें। इस तरह हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब हम डिजाइन के सेकंड रो में आगे, जो हमारी रॉन्ग साइड्स है। तो एज स्टिच के फंदे को तो स्लिप करते हैं, फिर जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उस फंदे को तो हम उल्टा बनाएंगे, और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे उनको पीछे करके सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे। जिस फंदे को हमने उल्टा बनाया था उस फंदे को तो अपनी रोंग साइड की सिलाई में भी उल्टी सिलाई में उल्टा बनाएंगे, और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उनको आगे करके उस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह हमें एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा बनाना है। तो रोंग साइड से हमारी इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट होती है, जिसमें हम एक फंदे को उल्टा बनाते हैं और एक फंदे को सीधा बनाते हैं। जिस फंदे को हम स्लिप करते हैं उसे तो सीधा बनाते हैं, और जिस फंदे को हम उल्टा बनाते हैं उस फंदे को भी उल्टा बनाते हैं रॉन्ग साइड से। इस तरह बनाते हैं हमारे डिजाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट होती है। इस तरह से हमारे डिजाइन बनता है। अब अपने डिजाइन के थर्ड रो में आ गए, जिसमें हम एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, बीच के सभी फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब हमारी आगे की 4 सिलाइयाँ निकलेंगी जो सीधी उल्टी निकलेंगी, जिसमें 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी निकलेंगी। तो हमारे डिजाइन की थर्ड रो है, 3री सिलाई है, जिसमें हम सभी फंदों को सीधा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। अपने डिजाइन की 4th रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड्स है। इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप किया और बीच के सभी फंदों को मैं उल्टा बना के अपनी डिजाइन की 4th रो को कंप्लीट करती हूँ। अपने डिजाइन की हम 5th रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करूंगी, बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो 5th रो में सभी फंदों को सीधा बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। अब अपने डिजाइन की हम 6th रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बना के अपने डिजाइन की 6 रो को कंप्लीट करते हैं, और इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है, जिसमें शुरू की 2 सिलाइयों में डिजाइन बनता है और 4 सिलाइयाँ हमारी बेसिक उल्टी सीधी निकलती है। इस तरह से हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। तो अब एक बार और बनाते हैं। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगले फंदे को
उल्टा बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे। इसी तरह से रिपीट होगा। एक फंदा हमें उल्टा बनाना है, ऊन को अपनी तरफ ही रखना है हमें। एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदे को स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदे को स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदे को स्लिप करना है। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी, उसी तरह से अपने डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। और लास्ट के एजस्टिस के फंदे को सीधा बना लेते हैं, फिर उनको सॉरी फिर हम रॉन्ग साइड में आ गए, एजस्टिस के फंदे को स्लिप करते हैं। जिस फंदे को हमने उल्टा बनाया था, उस फंदे को तो रॉन्ग साइड में भी उल्टा बनाएंगे, जिसे स्लिप किया था उसे ऊन को पीछे करके हम सीधा बना लेंगे। तो इसमें हमें एक फंदा उल्टा बनाना है और स्लिप किए फंदे को हमें सीधा बनाना है। इस तरह बनाते हुए हमें डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है, जिसके अंदर एक फंदे को उल्टा बनाना है और स्लिप किए हुए फंदे को हमें सीधा बनाना है। इस तरह से हमारी डिजाइन ये बनती है। फिर वापस से अपनी चार बेसिक सिलाई निकालेंगे हम, एडजस्टिस के फंदे को स्लिप करेंगे, सभी फंदों को सीधा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन बनता है। और बनने के बाद हमारा डिजाइन इस तरह से बनता है। ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। लॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है हमारा डिजाइन, और इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।